हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो इम्पोर्टेंस पहले जान लेते हैं, उसके बाद ग्राफ का बेसिक से स्टार्ट करेंगे. स्टडी ऑफ ग्राफ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोनों फील्ड में, मैथ्स में भी और इसका यूज़ साइंस में भी होता है. अलग अलग चीज़ों के लिए ग्राफ बनाया जाता है, SSTs में भी बहुत सारा ग्राफ बनता है, इकोनॉमिक्स में पार्टिकुलरली. तो स्टडी ऑफ ग्राफ इट्सेल्फ एक अनदर सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोगों को एलिमेंट्री क्लासेस में या फिर इनके टूल्स के जैसा इनको यूज़ करना है तो ग्राफ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इन क्लास 9th और 10th 11th 12th तक जनरली हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है. ओके, तो ग्राफ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर इसका यूज़ देखेंगे. और अगर हम कोई सा भी अगर नया ग्राफ मिल जाए या कोई नया इक्वेशन मिल जाए तो देख कर के उसका ग्राफ कैसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ये सारा चीज़ सीखेंगे. ठीक है, और कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह भी होगा, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ के बारे में भी जानेंगे. और इसका यूज़ अगर करेंगे तो मैथमेटिक्स में जो तीन चार चीज़ है, जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2 वेरिएबल, ये सारा चीज़ जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं ग्राफ का. सो ग्राफ होता क्या चीज़ है, किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग उसको फॉर्मुलेट करें किसी भी चार्ट के रूप में तो उसी को ग्राफ बोलते हैं. ठीक है, जैसे एक सिंपल सा इक्वेशन है जिससे हम लोग ज़्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. सपोज़ कीजिए कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे सपोज़ करो दो बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है. ठीक है, ये बच्चा का नाम एक्स है, ये बच्चा का नाम वाई है. ठीक है, अब जो बच्चा एक्स है वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास उतना ही टॉफ़ी है जितना तेरे पास है. अब तो कॉमन सा बात है, एक्स के पास अगर 2 टॉफ़ी होगा तो वाई के पास भी 2 टॉफ़ी होगा, एक्स के पास 3 होगा तो वाई के पास भी 3 होगा, x के पास 4 होगा तो y के पास भी 4 होगा, सो ऑन इस तरीके से चलेगा. तो इसका अगर इक्वेशन अगर हम बनाने चाहें तो कैसे बन जाएगा, हमारा इसका इक्वेशन कैसे बनेगा कि x और y दोनों बराबर है. ओके, ये हो गया पहला केस. दूसरा केस में सपोज कीजिए कि दो बच्चा है, अब वो क्या बोल रहा है, x है और y है. x क्या बोलता है, मेरे पास तेरे से 2 ज़्यादा टॉफ़ी है. एक्स क्या बोल रहा है, मेरे पास तेरे से 2 ज़्यादा टॉफ़ी है. इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा हमारा, क्या है, एक्स क्या बोल रहा है कि वाई में जितना टॉफ़ी है उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स का. एक्स बोलता है कि उसका वाई से 2 ज़्यादा टॉफ़ी है. ये भी हम लोग इक्वेशन बना लिए, है ना. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ये सारा चीज़ ग्राफ बतलाएगा कितना हो सकता है. ठीक है, अगर y के पास अगर सपोज करो 2 होता है, y के पास अगर 2 होता है तो x के पास कितना हो जाएगा, टोटल 4. y के पास अगर 3 होता है, हम यहाँ पर अलग बना लेते हैं ना x और y. y के पास अगर 2 होता है तो x के पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4. y के पास अगर 3 होता है तो x के पास कितना हो जाएगा, 2 ज़्यादा 5. y के पास अगर टॉफ़ी है ही नहीं, 0 टॉफ़ी होता है सपोज़ करो, तो x के पास कितना हो जाएगा, 2 टॉफ़ी हो जाएगा कम से कम. ठीक है, तो ये सारा चीज़ को अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म पे बनाने की कोशिश करें, सपोज़ कीजिए कोई एक रेफरेंस लेकर के, स्टैंडर्ड रेफरेंस लेकर के, तो वही हमारा हो जाएगा ग्राफ. ओके, अब इसको कैसे करेंगे, इसका बेसिक आइडिया क्या चीज़ है कि हम लोग जैसे नंबर लाइन पढ़े थे जूनियर क्लासेस में, लगभग वैसा ही है. एक हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये सीधा लाइन. ठीक है, इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस. बीच में हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2 एटसेट्रा. ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस कैसे बनाएंगे, इसके जस्ट परपेंडिकुलर बनाना है, लाइक दिस.
आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल लगेगा ये स्टार्टिंग पे, क्योंकि ये मैथ्स का ही एक ब्रांच है जिसको कि हम लोग को टूल के जैसा काम करना है ना। तो दोनों चीज़ आपको इंक्लूड मिलेगा, बाद में फिजिक्स में चले जाएंगे, पहले इसको सीख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, आप प्लस प्लस साइन भी दे सकते हैं। नीचे हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन। बीच में जहाँ जीरो है इसको जीरो जीरो लिख सकते हैं। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पे एक्स लिखेंगे, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसको एक्स प्राइम लिखेंगे। वैसे ही ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसको वाई लिखेंगे, नीचे वाले को वाई प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग इसका इक्वेशन जो बनाए हम लोग, उसमें एक्स और वाई का जो वैल्यूज लिखे हैं वो कैसे कैसे है भाई। यहाँ पर एक्स लिए, यहाँ पर वाई। जब वाई हमारा यहाँ पे दिखे, जब वाई टू था तो एक्स का वैल्यू कितना आया, फोर। जब वाई थ्री था तो एक्स का वैल्यू कितना आया, फाइव। जब वाई जीरो था तो एक्स का वैल्यू कितना आया, टू। अब इन सारे को हमको प्लॉट करना है। ठीक है, तो उसको प्लॉट करते हैं। हम यूज़ करते हैं ग्राफ पेपर ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, है ना। मेरे को भी ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी हो, तो हियर आई एम यूजिंग ग्राफ पेपर। तो आई होप सो कि इस पे पेंसिल का मार्क दिखाई दे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, इस वजह से हम पेन यूज़ कर रहे हैं। बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ पेंसिल फॉर ड्राॅइंग द ग्राफ। पर हम अपना इक्वेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर अपना इक्वेशन लिखेंगे जो चलेगा। ओके, तो इक्वेशन है हमारा एक्स, ये इसका ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू। ठीक है, आई होप सो दिख रहा हो। तो और जो पॉइंट्स हम लिए हैं उसको भी हम कहीं पे किनारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स है, वाई है, फोर टू फाइव थ्री टू ज़ीरो, अलग अलग कर लेना है। ओके, दिस इज़ टू, थोड़ा सा ऐसे। ओके, अब ग्राफ कैसे बनाना है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इस पे एक हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ओके, और प्रिसाइजली इसी में बीच में से कहीं पर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम बराबर बराबर लें, आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, लेकिन ये मोटा वाला लाइन के ऊपर पड़ना चाहिए। ये एक्स होगा, ये हो जाएगा एक्स प्राइम, ये वाई, वाई प्राइम, ज़ीरो ज़ीरो, दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आई नो आप लोग थोड़ा सा इसको बना चुके हैं पहले। फोर फाइव एंड सो ऑन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। ओके, सो अब हमको पहला पॉइंट रखना है एक्स फोर और वाई टू। तो एक्स में जहाँ पर फोर है, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे फोर आपको ढूंढना है, यहाँ पे फोर हो गया, और वाई का वैल्यू कितना है, टू, टू यहाँ पर हो गया। फोर के ऊपर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, सपोज कीजिए डैश्ड लाइन, हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर से टू के लिए। ओके, तो ये जो पॉइंट हमको दोनों का मिल रहा है, ये पहला पॉइंट है, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर हमेशा लिखेंगे कैसे, एक्स कॉमा वाई, हमेशा कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमन वाई। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, फोर, वाई का वैल्यू कितना है, टू, तो इसको कैसे लिखेंगे, फोर कॉमा टू। उसी तरीके से अब दूसरा पॉइंट क्या है, फाइव, किस में, एक्स में, तो एक्स में फाइव हो जाएगा, कहाँ पर चलाएगा ये पॉइंट, थोड़ा सा इस लाइन पे चलाएगा। अब अपने से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, वाई में थ्री है, ये फाइव है, ये थ्री है, इससे लगा लाइन ये वाला है दिख रहा है, इससे लगा लाइन ये वाला दिख रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कितना है हमारा, कितना पॉइंट है हमारा, ना ना ना, एक्स कितना है, फाइव, वाई कितना है, थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा फाइव कॉमा थ्री।
अगला है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 हो गया, y 0, तो ये यही लाइन पे पड़ेगा, ओके, सेम लाइन पे ही पड़ेगा। यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है, 0, y का वैल्यू 1 रहता तो ऊपर जाता, -1 रहता तो नीचे आता, है ना, लेकिन 0 है तो यहीं पे पड़ेगा एग्जैक्टली। अब ये पॉइंट का भी नाम हो गया, क्या लिखेंगे, 2, 0, y 0 और x 2। अब इन तीनों जो पॉइंट मिल रहा है इनको हम स्केल से ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन। और यहाँ पर इक्वेशन का भी नाम लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2। एक्स क्या बोला था, इसके पास कितना टॉफी है, वाई से 2 ज़्यादा। तो अब हम कैसे जान सकते हैं, देखिए, अगर y के पास 4 टॉफी है तो हम ऐसे करके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, y के पास अगर 4 टॉफी है तो x के पास कितना टॉफी होगा, 6, है ना। y के पास अगर 1 टॉफी है तो x के पास कितना हो जाएगा, 3, 2 ज़्यादा। अब इसमें सारा सॉल्यूशन है, y के पास अगर -1 टॉफी है तो x के पास कितना टॉफी होगा, 1, 2 ज़्यादा। तो एक बार तो -1 से 1 ज़्यादा होगा तो 0, और 2 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1 से। अब मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, y के पास अगर 2 टॉफी है, माइनस में -2 टॉफी है, तो x के पास कितना टॉफी हो जाएगा, 0, समझे क्या, यही है हमारा ग्राफ, ओके। आई होप सो कि इतना एटलीस्ट समझ में आया हो। सो ये आपका टोटल मैथमेटिकल पार्ट है, और क्लास 9 में इसका एक चैप्टर भी है मैथ्स में, 2 वेरिएबल, आपको इतना ही सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो और दूसरा एक एग्जांपल था हमारा ना, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, जो पहला केस लिए थे, दोनों का टॉफी बराबर बराबर था, ये वाला, उसको आप अपने से करके देखिए थोड़ा सा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप सोचिए इसका पॉइंट्स कैसे बनेगा। अगर हम इसका पॉइंट्स अगर लिखने चाहें तो पॉइंट्स कैसे बनेगा, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। एक्स के पास 1 टॉफी तो वाई के पास भी 1 टॉफी, एक्स के पास 0 तो वाई के पास भी, एक्स के पास 4 तो वाई के पास भी 4, एक्स के पास -6 तो वाई के पास भी, दोनों में सेम टॉफी, ठीक है, दोनों का सेम पॉइंट्स आएगा, आप उसको अपने से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो इतना समझ में आया हो, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ओके। सो इसमें आपको एटलीस्ट एक ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, आप एक दो ग्राफ आप पहले बुक से देख करके बना सकते हैं, एग्जाम्पल ले करके बना सकते हैं, या फिर एक दो हम आपको इक्वेशंस दे देते हैं, आप उसी का ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम गिविंग यू सम, यू कैन से होमवर्क टाइप का चीज़ है, ओके। सो क्या क्या चीज़ है वो, पहला आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, किसका, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये सारा कोशिश करना है आपको, है ना। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये तीन हम दे रहे हैं, 1, 2, 3, ओके। ये आपका होमवर्क में रहेगा, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखना है, ओके, थैंक यू।